नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण, जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को कैसे पढ़ना सीख सकते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपके जितने भी सारे मन में जो समस्याएं होती हैं वे सभी के सभी दूर हो गए। दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, तभी पता चल के वीडियो कब का होता है। वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिए, अंग्रेजी पढ़ने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले दोस्तों कि आप समझें कि अल्फ़ाबेट, जी हाँ दोस्तों, अल्फ़ाबेट को आप अच्छे तरह से याद रखिए। अल्फ़ाबेट क्या है? तो 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में, जिसे ABCD के नाम से जाना जाता है। ये आप जानते होंगे ABCD, लेकिन आप इसका उच्चारण करने का तरीका आपको नहीं पता, जिसके वजह से आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे। कुल उच्चारण करने का तरीका है तो 64, जी हाँ दोस्तों, 64 तरह से इसको पढ़ा जाता है। 26 लेटर है। अब पढ़ने का कुल तरीका कम से कम मैं बता दूँ कि 64 तरह से आपको, यानी 64 तरह से पढ़ना ही होगा, तभी आप हर वर्ड मीनिंग को अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसके अलावा भी आपको डबल वॉवेल्स और कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड की भी ज़रूरत होगी, जिससे कि और तरह तरह के वर्ड्स पढ़ पाएंगे, लंबे लंबे लेटर वाले वर्ड पढ़ पाएंगे। तो चलिए उसके देखिए, अल्फ़ाबेट के दो हिस्से हैं। पहला होता है A E I O और U, इन सबको मिला के दोस्तों एक नाम दिया गया है इसको, वॉवेल। जी हाँ दोस्तों, वॉवेल। अब बच्चे लोग को तो नर्सरी से ही पढ़ा दिया जाता है वॉवेल, लेकिन चूँकि बच्चे हैं नहीं समझ पाते हैं, आप बड़े हैं और मैं ऐसे समझता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो वॉवेल है A E I O और U है, और इसके साथ डबल O भी ले लीजिए, इन सबको मिलाकर इसको कुल उच्चारण करने का तरीका जो है दोस्तों वो 23 तरह से है। जी हाँ दोस्तों, 23 तरह से इसका उच्चारण यानी कि प्रोनंसिएशन करते हैं। जैसे ए को क्या बोलते हैं, ए टी के साथ, जब ए के साथ टी आ जाए या कहीं टी के पहले ए आ जाए, तब इसका उच्चारण क्या करते हैं, एट, यानी उच्चारण बदल जा रहा है। ए को ए बोलते हैं, यहाँ देखिए ए को क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ ए टी में ए को एट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एट। ठीक है, तो ये बदल गया है ना, तो ये बदल गया भाई, जाहिर सी बात है। अब वही ए टी ई के साथ जब ई आ जाए, ए टी ई, तब ये उच्चारण हो जाता है तो वापस एट। ठीक है, तो ये सिंगल तो ए उच्चारण करते ही हैं, लेकिन वर्ड मीनिंग में, यानी कि जब कोई वॉवेल जब किसी कॉन्सोनेंट के साथ जब आता है और ये तरह तरह से व्यवहारित, यानी अलग अलग तरह से उच्चारण हो जाता है ना। तो ये तरीका है, और इसके अलावा भी और उच्चारण है, तो आपको समझना होगा वो उच्चारण क्या कैसे करना है। हर एक वॉवेल के साथ जो जितने जो हमारे जो कॉन्सोनेंट है उसके साथ अलग अलग तरह से व्यवहार करता है। सब पे चर्चा होगी, समझने के लिए बहुत ही समझ ना होगा आपको। और देखिए उसके बाद कॉन्सोनेंट की बात करेंगे, कॉन्सोनेंट संख्या 21 है, ठीक है, लेकिन इसका कुल उच्चारण करने का तरीका है तो 41 तरह से। इसको आप गिन सकते हैं, जैसे बी को ब, सी को क बोलते हैं, लेकिन सी को स कब बोलते हैं कि आप जानते हैं कि सी को सी कब कब आप किसी वर्ड मीनिंग में सी को स कह देंगे, ये आप पे नहीं, ये देखिए कुछ बातें जो है पैटर्न पे चल रही है, उस पैटर्न को हम लोग यहाँ सीखेंगे। अब देखिए डी को ड द बोलते हैं और ड भी बोलते हैं, और इसके अलावा ड द तो बोलते हैं, ज उच्चारण भी करते हैं। इसी तरह आप यहाँ देखेंगे सबसे एक्सेप्शन में टी है, चार तरह से उच्चारण होता है, ट बोलते हैं, त बोलते हैं, च बोलते हैं, श बोलते हैं, ये एक्सेप्शन उच्चारण है, तो आपको यहाँ समझना होगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए वर्णमाला, वर्णमाला जो है, वर्णमाला हिंदी व्याकरण की चीज़ है और अपने आप में वर्णमाला बहुत ही बड़ी चीज़ होता है। जैसे इंग्लिश ग्रामर में अल्फ़ाबेट है, उसी तरह हिंदी व्याकरण में वर्णमाला है। इसके भी दो पार्ट हैं, पहला स्वर है जिसकी संख्या 14 है और व्यंजन जिसकी संख्या 36 है। लोगों को व्यंजन याद होने की वजह से बहुत सारे वर्ड इंग्लिश का हिंदी में लिख लेते हैं, जैसे ठीक है जैसे समझे, मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कि ये मैदान लिखना है, ठीक है, मैदान लिखना है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है, लोग सोचते हैं कि मैदान कैसे लिखें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों ये तो बड़ा लग रहा है, दूसरा तो आकार आ गया, आकार आ गया, ये सब नहीं समझ में आ रहा है। उनको ये नहीं पता है कि अ से लेकर अह तक का जो अंग्रेजी होगा उसको आप अच्छे से नहीं याद रखेंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है, दिक्कत होगा। साथ ही उसका मात्रा चिन्ह याद नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगा, अ का मात्रा चिन्ह का प्रयोग नहीं समझ पा रहे हैं कि अ का कैसे मात्रा चिन्ह
मतलब नहीं है तो उसके लिए क्या होगा, तो कुछ टेक्निकल बात है, कह सकते हैं टेक्निकल बात, उसको आपको समझ ना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्णमाला, उसके वर्णमाला का पहला पार्ट स्वर पे ही बात कर लेते हैं। संख्या 14 है, उच्चारण करने का तरीका है मात्रा चिन्ह को देखेंगे क्या है, और सभी लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, अच्छी तरह से जानते हैं और जाहिर सी बात, लेकिन फिर भी जो है आप अंग्रेजी हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में नहीं कर पाते, बहुत ही दिक्कत की बात है दोस्तों। तो अपना ज़्यादा ज़्यादा फोकस करें स्वर और व्यंजन, इनका प्रयोग करने के लिए। व्यंजन आपको पता रहता है, ये पता है हिंदी वाले जितने भी जो हिंदी भाषी हैं, जो थोड़ा सा मतलब उन्होंने पढ़ाई किया है और तो वो जानते हैं कि व्यंजन क्या है, व्यंजन का प्रयोग क्या, यानी क से लेकर ज्ञा तक का अंग्रेजी मैक्सिमम लोग जानते हैं, और ये अ से लेकर अह तक का भी अंग्रेजी जानते हैं। चलिए नहीं भी जानते होंगे, लेकिन मुझे लगता है जानते हैं। अब क्या जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी है, जो जानते हैं उनके लिए भी समझना होगा कि अ है, ये आ है, ई उच्चारण करने में कोई दिक्कत नहीं होती किसी को, यरीरी ठीक है, लेकिन जब प्रयोग करना होता है तब समस्या होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर ए ए ऐ ओ औ अन अ, इसका भी अंग्रेजी आपको पता नहीं, तो पहले तो मैं यही कहूँगा कि दोस्तों इसको अच्छे से याद करें, अगर याद नहीं करेंगे तो दिक्कत हो। अब देखिए मात्रा चिन्ह को समझिए, अ का मात्रा कुछ नहीं होता है, ठीक है, आकार का मात्रा ये होता है जो बगल में आपको दिख रहा है, छोटी कर का इस तरह से मात्रा होता है, बड़ी कर का इस तरह से मात्रा होता है, छोटी कर का ये हो गया, बड़ी कर का ये हो गया, री का ये हो गया, बड़ी री का ये, री का मतलब है जैसे आप यहाँ देखिए एग्जांपल में क्री, ठीक है, कृपा, कृपा में जो री है उसका मतलब ये हो गया री का। उसके बाद देखिए ए है, ए का मात्रा चिन्ह ये इस तरह से होता है, ए का दो हो गया ऊपर, ये अ का एक ऊपर एक नीचे, ओ का और अ का दो ऊपर एक नीचे, अन का ये हो गया, और अह जो है दोस्तों इस तरह से होता है। तो ये तीन जो है लास्ट के तीन अक्सर लोग भूल जाते हैं, जिसका प्रयोग एक्चुअली भूलते हैं क्योंकि यूज़ नहीं, प्रैक्टिस, सभी लोग जानते हैं प्रैक्टिस करना है, लेकिन प्रैक्टिस करते तो नहीं है। तो आप प्रैक्टिस करिए और एक टेक्स्ट को ले लीजिए, टेक्स्ट को उठाइए और लिख के दिखाइए। मैं आज आपके लिए एक टेक्स्ट दे रहा हूँ और मैं सभी से चाह रहा हूँ कि भाई कमेंट में आप उसे लिख कर बताइए, ठीक है, और मैं सोच लेता हूँ। देखिए मैंने आज एक आदमी को बोला, ठीक है, मैंने एक आदमी को बोला, इसी बात को जो है आपको इसको अंग्रेजी करके लिख के बताइए, बहुत सिंपल है और समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है, ताकि अच्छे से आप सीख पाएँ। तो ये जरूरी है, मैंने आज एक आदमी को बोला, क्या बोला इसमें बात नहीं है, कैसे लिखेंगे अगर इसका अंग्रेजी, जी हाँ, तो अंग्रेजी लिखेंगे, अंग्रेजी अंग्रेजी मतलब हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं करना है, जैसे लिखते हैं ना राम, ठीक है, तो राम लिखने के लिए आर ए एम लिखते हैं तब हो जाता है राम, उसी तरह से इसको लिखना है, हिंदी से अंग्रेजी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आज एक आदमी को बोला, इस वीडियो को देखने के बाद ही दोस्तों आप सभी लोग से यही है कि आप कमेंट करिए, जिनको नहीं आएगा वो भी इस वीडियो को देखने के बाद भी समझ जाएंगे कैसे पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए व्यंजन, व्यंजन तो आपको पता ही है लेकिन फिर भी समझिए, ये जो 36 के 36 दिख रहे हैं व्यंजन, आप इसे क्या पढ़ते होंगे, आप कहेंगे कि क ख ग है, क से ज्ञ तक है, जबकि ऐसा नहीं है। तो मैं कहूँगा कि ये सारे के सारे आधे अक्षर हैं, आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ, आधा अंग, आधा च, आधा छ, आधा ज, आधा झ, आधा इ, ठीक है, नीचे के जो है वो भी आधा आधा क का नहीं, मतलब कि आधा क का ही अंग्रेजी के है, आधा ख का के, आधा ग का जी, आधा घ का जी एच, और आधा आधा अंगा का एन जी। अंगा लोग नहीं याद रख पाते हैं, आप रखिएगा याद, यहाँ लोग नहीं याद रख पाते इसको भी याद रखिए। उसके बाद देखिए आधा ट, आधा ठ, आधा ड, ढ, आधा ण, फिर देखिए आधा त, आधा थ, आधा द, आधा ध, आधा न, फिर देखिए आधा प, आधा फ, आधा ब, आधा भ, आधा म, फिर आधा य, आधा र, आधा ल, आधा व, आधा तालाब विषय, ठीक है, आधा तालाब विषय,
आधा मूर्धन्य ष है, आधा दंत स है, या ठीक है ह है, आधा क्ष है, आधा त्र है, आधा ज्ञ, ये सब आधा है। इसको पूरा कैसे करेंगे इस बात को समझिए। चलिए पहले पूरा करके देखते हैं। मान लीजिए ये है आधा अक्षर, ठीक है, आधा अक्षर है हमारे पास क का, और ये क जो है तो आधा है, इसमें जो है आप ठीक है अ मिला लेते हैं तब ये हो जाता है पूरा क, तो ये क हो गया, ठीक है, ये क हो गया। मान लीजिए कि ये तो स्वर स्वर है, अगर यहाँ पर इस अक्षर में, आधा अक्षर में अगर आ मिलाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है क्या का। उसी तरह ये आधा क में छोटी ई मिलाते हैं, ठीक है, ये छोटी है, तब ये हो जाता है की। इसी तरह आधा क में जब आप बड़ी ई मिलाते हैं, ठीक है, बड़ी मिलाते हैं तो ये हो जाता है की। इसी तरह जब आधा क में आप उ मिलाते हैं तो ये हो जाता है कु। इसी तरह आधा ये क में बड़ी उ मिलाते हैं तब ये हो जाता है तो बड़ी कु, ठीक है, ये हो जाता है। इसी तरह आप मान लीजिए कि ये क है, इसमें आप मिलाते हैं ए, ठीक है, ये क है, इसमें मिलाते हैं ए, इस तरह से लिखते हैं, ये क है इसमें मिलाते हैं आप ओ, और ये आधा क में आप मिलाते हैं अ। फिर देखिए इस वाले में अन मिलाते हैं और इस वाले में आप मिलाते हैं अ, क्या होता है, क में जब ए मिलता है तब ये हो जाता है के, ठीक है, और जब क में जब ए मिलता है तो क, क में जब ओ मिलता है तो को, क में जब अ मिलता है तो क, क में जब अन मिलता है तो कन, और क में जब अह मिलता है, ठीक है, क में जब अह मिलता है तो ये हो जाता है क। तो दोस्तों ये जो है लिखने का तरीका, ये तो सिर्फ क के बारे में है, ठीक है, क के बारे में, ख के साथ देखेंगे, ग के साथ देखेंगे, इसी तरह ज्ञ तक देखेंगे, तो ऐसे ही जो है अक्षर बनते हैं। तो अक्षर जो है मात्रा चिन्ह के साथ ही अक्षर कहा जाता है, बात समझ चुके होंगे मेरी अभी तक। तो ऐसे ही लिखना है, इंग्लिश करना है, तो चलिए कैसे करेंगे ये देख लीजिए। दोस्तों ये अब तो समझ चुके होंगे कि आधा क है। अब मान लीजिए कि अगर पा लिखना आता तो प प्लस आ करते तो हो जाता पा, पा हो गया ना, तो पा हो गया। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। इसको तालाब्य श बोलते हैं, इसको मूर्धन्य श, इसको दंत स, उसको अक्ष त्र ज्ञ। बाकी अब हिंदी भाषी जितने सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं तो वो हमारे पिछले वीडियो को देखिए, उसमें उच्चारण मैंने पूरा किया है, ठीक है, एक दिन पहले वाला, तो आप देखेंगे कि अक्सर उच्चारण रेगुलर वीडियो से आने का मतलब है। एक कमेंट भी आया है कि रोज़ इसी तरह के आप सेम वीडियो रहता है, तो दोस्तों सेम वीडियो नहीं रहता है। मान लीजिए कि आज जो है आपने कुछ किया, भूल गए, कल भी भूल गए, तो कुछ दिन लगातार जब देखते हैं तो ये दिमाग में आपके बनेगा। और आधा अगर सीधा आधा बात के बाद सीधा डायरेक्ट प्रैक्टिस पे आ जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप वहाँ समझ नहीं पाएंगे। तो उस प्रैक्टिस को करने से पहले इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत होता है, आदमी हड़बड़ में रहता है। कि हड़बड़ाइए नहीं और पेशेंस रखिए, थोड़ा सा मेहनत आप ही कर लाएगा, सीख भी आप ही जाएंगे। नहीं तो ये फालतू में रोज़ एक ही बात को बताना, क्या मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन कारण है कि दोस्तों कि मैं जानता हूँ कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, आप सीख क्यों नहीं पा रहे हैं, मुझे पता है। जैसे डॉक्टर को पता है कि भाई कितना दवा कितना देना चाहिए, है ना, किस किस क्वांटिटी में, 5 ml बच्चे को पड़ता है, बड़े को कितना देना चाहिए, कितना पावर देना चाहिए, वही बात यहाँ है आपके साथ भी है। तो मैंने वही बोला जो जहाँ पर ज़रूरत है। अब चलिए अब ये तो समझ लीजिए, अंग्रेजी इसी के साथ देखिए क्या कैसे होता है। क है, क के साथ ए लगाते हैं तो क्या होता है के आ क, क के साथ आल के जगह ए लगाएंगे तो की। तो मात्रा चिन्ह देखिए, मात्रा चिन्ह अगर ये डायरेक्ट इस तरह से करते हैं तो उस हिसाब से तो लिख देंगे, जैसे आ का ए होता है, आ का क्या होता है ए होता है, आ का डबल ए या सिंगल ए होता है, छोटी का आई होता है, बड़ी का डबल ई होता है ना, उ का यू होता है, बड़ी यू का डबल ओ होता है, ये होता है, फिर ए का ई होता है, ए का ए आई होता है, ओ का ओ होता है, औ का ए यू होता है, अन का ए एन होता है, अह का ए एच होता है। ये सब जो है क्या है, फिक्स है,
इसको समझ लीजिए। आइए बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये तो था हिंदी से अंग्रेजी करने के लिए और मैंने टेक्स्ट भी दिया। अब देखिए कॉन्सोनेंट के ऊपर, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट से, जी हाँ दोस्तों, ए बी सी डी से ए ई आई ओ यू को हटा कर जितने सारे बचते वो यहाँ लिख दिए गए हैं, इसको ही कॉन्सोनेंट बोला जाता है। और इसका उच्चारण क्या होता है, आप अंग्रेजी के जब वर्ड पढ़ते हैं तो जो वर्ड्स पढ़ते हैं उसके अनुसार यहाँ उच्चारण लिखा गया है। जैसे बी को बी ही बोलते हैं, लेकिन अब क्या बी मान लीजिए बी यू जी करते हैं तो क्या पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे बिग बुग बग बग पढ़ेंगे। तो भाई बी को बी नहीं बोल रहे, यहाँ पर बी का उच्चारण बदल जा रहा है और ब के रूप में उच्चारण हो रहा है, तो बग हो गया। अब जैसे सी को क्या पढ़ रहे हैं, सी को सी भी पढ़ते हैं, सही पढ़ते हैं, स कैसे पढ़ेंगे इस पर अभी चर्चा इसी वीडियो में होगी, थोड़ा सा इसी स्लाइड में आप देखेंगे कैसे। लेकिन सी को क बोलते हैं, डी को बोलते हैं ड द, और ज भी एफ को बोलते हैं फ। लोग एफ को अंग्रेजी में, कुछ लोग हिंदी का अंग्रेजी करते समय एफ को क्या करते हैं, एफ को फ लिखते हैं, जैसे फिरोज है, या हिंदी में पी एच लिखते हैं, लेकिन पढ़ते समय फ ही पढ़ेंगे, ठीक है, इंग्लिश में भी। लेकिन जब कुछ नाम होते हैं जैसे फिरोज है, कुछ मुस्लिम नाम है, और उसमें आप देखते होंगे कि फ के लिए भी ये पी एच ना लिख कर एफ ही लिखते हैं, जैसा है कि इंग्लिश बोलते हैं वैसा ही, जब मतलब अपने नाम का अंग्रेजीकरण उन्होंने पूरा अच्छे तरह से किया है। एक्चुअली यही परंपरा, यही तरीका चला आ रहा है, इसी वजह से है ना, इसी वजह से ये सब चीज़ हो रहा है और होगा भी, क्योंकि ये जब तक डेवलप नहीं होगा, लोग स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक ये बदलने वाला नहीं है। अब जैसे जी को ग भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, ये सब फिक्स है। कैसे, जैसे एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं, जी ओ आर जी ई ओ यू एस गॉर्जियस, पहला गॉर्जियस का पहला जी का उच्चारण ग, दूसरा जी का उच्चारण ज हो रहा है। एच को बोलते हैं ह, है ना, ह, जैसे एच ई एन क्या बोलते हैं, हैन, है ना, हैन, तो ये सब हा फिक्स है। जे को जा बोलते हैं, के को क बोलते हैं, सी से भी क, के से भी क, इसके अलावा और भी क है जो भी मैं बताऊंगा इसी स्लाइड में, देखिएगा कि क के लिए कितने उच्चारण है। एल को ला होता है, एम को मा, एन को ना, एन को ना, पी को बोलते हैं प, है ना, क्यू को क्यू, आर को र, आर को ड भी बोलते हैं, ड, इसको स बोलते हैं, इसको ज बोलते हैं। इसके अलावा ई एस से भी ज होता है, टी को ट तो बोलते हैं, च भी बोलते हैं, स भी बोलते हैं। कैसे, तो टी यू से च होता है और टी आई से स होता है, च से टी यू आर ई को चर बोलते हैं और टी यू एल को चोर बोलते हैं, उसके बाद टी आई ओ एन को सन बोलते हैं और टी आई ए एल को बोलते हैं सी एल, इसके बाद टी आई को सिया बोलते हैं। इस सब को नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड हैं जो कि मैं जब टेक्स्ट बताऊंगा उसमें, उस टेक्स्ट में मैं सर्कल करते चलूंगा इस तरह से कि भैया ये वाला पार्ट इसको नोट कर लीजिए, उसके अनुसार मतलब पढ़ना आपके लिए आसान तेज़ी से हो जाएगा। भी को व बोलते हैं, भ बोलते हैं, और डब्लू को भी व बोलते हैं। दोस्तों एक्स को तो एक्स बोलते ही हैं, जैसे ओ एक्स में एक्स को एक्स बोलते हैं, या फॉक्स में एक्स को एक्स बोलते हैं, ई एक्स से वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है उसको भी एक्स बोलते हैं, या एग्ज बोलते हैं, एक्स या एग्ज बोलते हैं। इसके अलावा वाई को या जेड को ज बोलते हैं। अब देखिए स, स का सी आई से क्या उच्चारण होता है, श, सी आई स होता है, सी से क्या उच्चारण होता है, स, मैंने बता तो दिया कि सी आई से स होता है, सी से स होता है, जो कि यहाँ पर मैंने बोला था, लेकिन क्या ऐसा होता है, या ऐसा होता है तो कब होता है, तो देखिए एक बात को समझ लीजिए यहाँ पर कि थोड़ा सा यहाँ समझे कि जब सी के साथ आई होता है तब स उच्चारण होता है, ठीक है, कैसे उच्चारण होता है, तो देखिए सी आई आर सी एल ई कैसे पढ़ते हैं इसको, सर्कल, ठीक है, ऐसे ये पढ़ा गया, जो पढ़ा गया वो मैंने लिख दिया सर्कल, सी आई से स उच्चारण हो गया। दूसरा जो सी है र के लिए यहाँ पर आर आ गया, दूसरा सी क्यों कहा बोला गया तो स हो गया। अब देखिए सी ई से भी स उच्चारण होता है, ठीक है, इसके लिए क्या है तरीका, तो सी ई आर टी आई एफ आई सी ए टी ई सर्टिफिकेट। अब देखिए सर्टिफिकेट ऐसे लिखते हैं, समझिए सर्टिफिकेट, अब देख रहे हैं सर्टिफिकेट में सी ई जो है
इससे स होता है और सी ए से जो है के हो रहा है, क हो रहा है, क्योंकि ए के बाद ई आया, इसलिए एक वचन ए के रूप में आ गया, माता चिन्ह में आ गया, तो सी से क हो रहा है। अब यहाँ देखिए सी ए आर क्या उच्चारण होता है, जाहिर सी बात सी ए, अगर कोई और दे दीजिए सी ए दे दीजिए तब भी कार ही उच्चारण होगा, या आप लिख दीजिए सी ई एन टी तब होगा सेंट, ठीक है। तो इसलिए सेंट हो रहा है क्योंकि सी के बाद जो ई आ रहा है तो स के रूप में उच्चारण हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं, है ना, तो सी के बाद ई आया तो से स उच्चारण तो होगा ही, लेकिन यहाँ मात्रा सीन के साथ है। उसके बाद सी ओ रहता है, सी ओ यू एन, तब भी दोस्तों कन होता है, कन ये भी पार्ट है, कंटिन्यूअस बनता है, कंडीशन बनता है इस तरह से वर्ड से। तो चलिए ये समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों क के लिए, क के लिए और भी है, ये सी ए से क है, ठीक है, क सी के से क, क्यू से क, क्यू यू ई से क उच्चारण, जैसे कैरेक्टर में सी एच को क बोलते हैं, लक में, क्यून में, क्विट में, है ना, क्वेंट में, इस तरह के क का उच्चारण होता है। तो अब समझ चुके होंगे, अब बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो है पार्ट कि कैसे पढ़ा जाता है। तो दोस्तों इस स्लाइड में आप पढ़ेंगे कि तरीका वो कौन कौन सा है जिससे कि इजी है पढ़ना। वॉवल्स पे अभी चर्चा होगी, लेकिन आप इसके बाद देखेंगे वॉवल्स क्या। देखिए इसमें हिंदी के शब्द भी हैं जो कि इंग्लिश किए गए हैं, आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा कि हिंदी के कौन कौन शब्द हैं, हो सकता है पढ़ भी लेंगे आप तोड़ तोड़ कर, लेकिन लिखते समय हमेशा दिक्कत होती है, ये भी हो जाता है। तो लिखने के लिए आपको स्वर और व्यंजन का जो मात्रा चिन्ह है उसको लगा कर बहुत सारे प्रयोग करना होगा। अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सीख जाएंगे। 10 दिन काफ़ी होते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, लेकिन आप 10 दिन मेहनत तो करेंगे तभी। दोस्तों ये अब देखिए क्या पार्ट है, जैसे ई आर को अर बोलते हैं, एक पार्ट है, बी लगा तो बर है, तो ई आर को अर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर, लिख लीजिए अर, आर यू रब, रबर इज एन, एम को एम भी याद करिए, एम पॉटेंट, टी एन टी को टेंट लगी है, टेंट, इन को इन याद रखिए, डी ओ डस हो गया, ट्रियल, आई एल को ई एल बोलते हैं, टी आर लगा तो ट्रियल हो गया, इंडस्ट्रियल, रॉ मटेरियल, मटेरियल मटेरियल, आई एल को एल बोलते हैं मटेरियल, इट इज मेन, ए एन को एन बोलते हैं, एम लगा मेन हो गया, एल वाई को ली बोलते हैं, मेनली ग्रॉन एन केरला, तमिलनाडु, अब देखिए के आर कर, एन ए ना, टी से ट, के से का, कर्नाटका एंड अंडमान, अंडमान अंडमान ऐसे लिखते हैं, अंडमान अंडमान एंड निकोबार। तो कोई भी शब्द हिंदी से अंग्रेजी करते समय या पढ़ते समय आप अपने दिमाग में वो बात रखना होगा, तभी उसका इंग्लिश भी पढ़ पाएंगे और लिखना लिख भी सकेंगे। तो आइलैंड है, आइलैंड्स एंड गारो हिल्स, हिल्स ऑफ मेघालय, चूँकि नाम है, बड़ा नाम है, इसलिए लास्ट में ये जुड़ गया है, इन 2012-13। अब देखिए इंडिया रैंड, ए आई एन के एंक एन होता है, ए एन से एन होता है, आर लगा रैन, ई डी को एड बोलते हैं, केला कैड, रैंक फोर्थ, अमोंग, ओ एन जी को अंग बोलते हैं, अमोंग द वर्ल्ड्स, नेचुरल नेचुरल, टी यू आर ई को चर बोलते हैं, और इसी में ए एल जुड़ गया, दो दो पार्ट है, कुछ चर है, टी यू आर ई को चर, जैसे मैंने बताया था, ए एल को एल बोलते हैं, नेचुरल, रबर, पी आर को प्रो बोलते हैं, प्रोड्यूस, फाइबर, आई को चनाई के रूप में, फाइबर, क्रॉप्स, अब देखिए कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल, फिर से नेचुरल आ गया, सिल्क, हिंदी के शब्द सिल्क आर द फो आव फो मेजर, ओ आर को भी आर बोलते हैं, जेड लगा जर हो गया, फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, देखिए द फर्स्ट थ्री आर डिराइव्ड डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल द लेटर्स, ठीक है, लेटर इज ओ बी को ऑफ टेंड, ई एन को एन बोलते हैं, टी लगा टेंड हो गया, जी रहता तो मान लीजिए एम रहता तो मेन होता, आर रहता तो रेन होता, पी रहता तो पेन होता, ए एन को लेकर जैसे पी ए आई एन पेन होता है, ई डी लगा ऑफ टेंड फ्रॉम कोकून्स कोकून्स ऑफ द सिल्क वर्म्स फेड ऑन ग्रीन लीव्स एस्पेशियल आई एल ई एल यहाँ भी है एल एल वाई भी है तो स्पेशियली मलबरी रियरिंग आई एन जूकिंग बोलते रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द देखिए पी आर को प्रो बोलते हैं प्रोडक्शन टी एन को बोलते हैं सन प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर
इज नोन एज सेरीकल्चर, टी आर को बोलते हैं चर, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, ध्यान से देखिएगा, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज अ सेरीकल्चर कॉटन. इंडिया इज द बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल ओरिजिनल एल्कोहल बोलते हैं होम ऑफ द कॉटन प्लांट. कॉटन इज वन ऑफ द मेन, ए एन एन है, एम लगा मेन है, अगर आर कर दे तो रेन हो जाता है ना, आर ए आई एन रेन, आर ए आई एन रेन, रेन मीन वर्षा होता. तो वर्ड बनते हैं रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टी आर कोई ट्री. तो ये है दोस्तों पढ़ने का तरीका. अब देखिए भॉबल्स, भॉबल्स भी बात कर लेते हैं, आखिर भॉबल्स बिना तो कुछ होने को है नहीं, आखिर भॉबल्स का प्रयोग कैसे करेंगे, अगर भॉबल्स कभी आए फुल वर्ड मीनिंग में तो कैसे पढ़ेंगे. तो दो बात है, तो पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग सुनिए जो कि मैं रोज लाता हूँ, उस वर्ड को सुनिए, और दूसरा बात कि आप उसका उच्चारण करने का सीखिए, प्रैक्टिस कैसे करना उसको लास्ट स्लाइड में मैंने रखा है, उसको उस तरीके से प्रैक्टिस करना सीखिए. अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप वर्ड्स नहीं पढ़ पाएंगे, अगर वो प्रैक्टिस कर लिया तो समझिए कि 99% तक आप करेक्ट पढ़ना सीख जाएंगे. और क्योंकि आपने आज तक बहुत सारे वर्ड्स को सुन रखा है पहले से, आपको पता है मिडल, लेकिन आपने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि ए को इसमें क्या बोला जा रहा है, तो ए को इसमें आ, आ, आ बोला जा रहा है. आप लोग को पता है मास, मास कम्युनिकेशन नाम सुना होगा, मास कम्युनिकेशन, पास नाम सुना होगा, है ना, वर्ड सुना होगा पास. तो क्या ए को उच्चारण वहाँ क्या हो रहा है, आ, एम के साथ लगा तो माँ हो गया. मेड में ए का उच्चारण क्या, ए, यह एक तरह रूल है कि ए के बाद जैसे ही ई आए, मतलब कि ए के बाद कोई कॉन्सनेंट डबल हुई, एक बार कॉन्सनेंट कॉन्सनेंट पर जब ई आए तब ए जो ए है उसका ए का उच्चारण ए के रूप में, और जो ई होता है ई का उच्चारण अ के रूप में हो जाता है ना, ओके. तो अ वाल ई वाले में देख लेंगे, एम एन मैन में ए का उच्चारण ए के रूप में हो जाएगा. उसके बाद देखिए ई का उच्चारण क्या क्या होता है, ई को अ आ ई, ई और ए भी बोलते हैं, जैसे डब्ल्यू ए टी आर टर, तो वाह है ना, ए का तो आ बोल ही रहे हैं तो यहाँ आ के रूप में उच्चारण हो रहे वाह, और ई का उच्चारण यहाँ अ के रूप में हो रहा है टर. ई आर को ऐसे भी अर बोलते हैं. पी एन पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है. पीस में पी ई ए सी ई पीस, पीस में ई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हो रहा है. सी के बाद जो ई है उसका उच्चारण अ के रूप में हो रहा है पीस. उसके बाद देखिए आई, आई को अ आ ई ई आई बोलते हैं, जैसे पी एन पीन में आई का उच्चारण ई के रूप में, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, टाई, टी के साथ जो आई लगा था टाई, टाई हो गया. और सर्कल में सी आई आर सी एल ई में सर्कल में आई का उच्चारण अ के रूप में हुआ सर्कल, ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ. फिर देखिए एस ओ एम ई, जैसे ओ को अ आ ओ यू उ और ओ बोलते हैं, जैसे एस ओ एम सम में ओ का उच्चारण अ के रूप में सम, अबाउट में ओ का उच्चारण अ के रूप में आ, टी एन टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में टोन, है ना. फिर देखिए यू में यू का उच्चारण क्या क्या होता है, यू में यू का उच्चारण जो है, एक्चुअली कोई वर्ड मीनिंग में जब यू है तब उसका उच्चारण क्या क्या करेंगे, ऐसा होता है कि लोग एक ही चीज़ को पकड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, उसको आप यू को हमेशा यू ही नहीं पढ़ें बल्कि या ऊ ही नहीं पढ़े बल्कि अ भी पढ़े आ भी पढ़े. ऊ यू तो बोला ही जा रहा है ना, यू तो बोला ही जा रहा है. तो बी यू डबल टी आर बटर में यू का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है बटर. ब्यूटीपुट में यू का उच्चारण यू के रूप में, ट्यून में यू का उच्चारण यू के रूप में. एक कमेंट भी आया कि भाई यू को यू क्यू से कैसे बुलाते हैं, कैसे क्यों ऐसा क्यों कि ब्यूटी बट ब्यूटी पट पुट क्यों नहीं हो रहा. तो दोस्तों अंग्रेज जो जिस तरह से बात करते हैं उन्होंने जो शब्द कहने, आप बताइए कुछ शब्द जैसे हैं ग्रामीण भाषा में खटिया है ना, खटोला नाम आपने सुना होगा, मैं भी सुना होगा. कुछ अलग सा शब्द जो है डेवलप हो जाता है ना. तो वो डेवलप होने के कारण क्या है, लोग पसंद करते हैं बोलते हैं या एक पैटर्न है. तो खैर जो अंग्रेज़ों ने जो तैसे तय किया कि भाई इसको यही बोलेंगे इसको यही बोलेंगे, तो उनको बस वही बोलना है, अब तो बस बोलना है तो बोलना है. आपको उस ट्रिक को पकड़ लेना है जो कि अब मान लीजिए बटर में पी यू टू को पी यू टी पुट और बी यू टी बट, तो वही बोलेंगे ना. अब ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि पी यू टी को पुट बोल दें और बी यू टी को बूट बोल दे, ऐसा बोल देंगे तो क्या गलत नहीं हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा. तो जो ऐसा उन्होंने बोला ऐसा ही बोलेंगे, उनकी भाषा है, समझना होगा. तो दोस्तों ये देखिए
डबल ओ को क्या क्या बोलते हैं, अ आ ऊ ओ आर ऊ ओ। अंग्रेजी देखिए एग्जाम्पल, एस डबल ओ सून में ऊ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है, और एफ डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है, अगर हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं, देखिए पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, लिखना भी है, दो तरह से आप इसको लिख सकते हैं, तो हिंदी से अंग्रेजी कर सकते हैं, दूसरा ट्रांसलेट करके डायरेक्ट इंग्लिश में लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बोलना एक अलग प्रक्रिया है, और कुछ बेसिक बोलते हैं, कुछ एडवांस बोलते हैं, जैसे कि आप हिंदी बोलते हैं, आप क्षेत्रीय भाषाएँ बोलते हैं, है ना, आप लोकल भाषा बोलते हैं, तो क्या शुद्ध हिंदी बोलते हैं? बहुत सारे लोग शुद्ध हिंदी बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसमें अपने स्थानीय भाषा का समावेश रखते हैं, तो ये सब चीज़ को अब समझना होगा। चलिए अब रीड, तो देखिए वीडियो हमारे पास 1.1 के है, इसका बेनिफिट्स उठाइए डे वन से वीडियो देखकर। ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के साथ में गूगल पर टैप करके बोलिए, सारे वीडियो के मिलने के लिए लिंक मिल जाएंगे, आप वीडियो को डे वन से देखना शुरू कीजिए अगर आप नए हैं तो। और जब देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक कॉपी को, एक पेज को दो हिस्सों में मैंने बांट रखा है, एक हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश करके दोनों तरफ जो है कॉलम बने हुए हैं, और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पे सारे के सारे रूल रेगुलेशन सेट कर देंगे, सब कुछ सीखेंगे बीते जी स्टेप ना। ग्रामर के तो भैया नाना कर दीजिए, नहीं ग्रामर से बुक भी मत लीजिए, कोई भी नहीं, कॉपी ले लीजिए ज़रूर, और उसके अनुसार हमारे साथ बने रहिए। अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखना है वो आप बहुत ही आसान तरह सीख सकते हैं दोस्तों, और लेकिन उसके पहले हॉबीज देखिए याद तो करेंगे, कोई वर्ड मीनिंग पढ़ना है, मान लीजिए कन्फ्यूज, ठीक है कन्फ्यूज, मैंने यहाँ पहले बता दिया कन्फ्यूज, अगर इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, तो ये वॉवेल्स हमेशा आपको याद रहेंगे, तभी पता चलेगा कि भाई यहाँ पर क्या है, यूच्चारण करना। मान लीजिए कि ओ आया, सी को पता है कि सी से क होता है, लेकिन ओ को क्या पढ़ें, ओ को अ पढ़ दें, आ पढ़ दें, ऊ पढ़ दें, ओ पढ़ें, तो यहाँ पर ओ को दोस्तों अ पढ़ेंगे, क्योंकि आपको लगे खुद भी कि सी यू एन कन कन पढ़ते देखते हैं, कन कान कून कोन, तब पहले कान कन्फ्यूज है ना, कन्फ्यूजे, अब सब में यहाँ आपको दिक्कत होगा, ओ को लेकर यू को क्या क्या बोलते हैं, तो अ आ ऊ ओ, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, फ फा फू फ्यू, एस के बाद ई है तब क्या पढ़ेंगे, ई को अ आ ई ई ए, तो क्या पढ़ेंगे, स सी से स सा सी सी से, क्या पढ़ेंगे, बहुत तरीका, यानी कि इसको पाँच, इसको पाँच, इसको पाँच, अब इसको मिक्स मैच कर लीजिए तो कितना दिक्कत होगा, लेकिन जब पढ़ते हैं ना तो समझ में आ जाता है कि सी यू एन कन होता है, ऐसे भी मैंने बताया पार्ट, तो कन जो है पार्ट है, तो इतना तो याद हो गया। फ्यूज फ्यूज फ्यूज, तो यू को ई यू पढ़ा गया यहाँ पर, एस को ज बोला भी जाता है तो ज भी होता है, ज के साथ ई लगा हुआ, कन्फ्यूज, ठीक है पढ़ने का ये तरीका हो गया। अब चलिए जो वर्ड्स वो देख लीजिए थोड़ा सा, लैंगडल्स, ए के बाद ई आया, ए के बाद ई आया, ए का उच्चारण ए के रूप में, लैंगडल्स लैंगल्स, फिर देखिए लैंग लैंड्स, लैंग लॉप्स, लैंगो वर्ड, फिर देखिए लैंगोस्ट, लैंग रेज, ठीक है लैंग रीज, लैंग सेंस, लैंग स्पेल्स, लैंग स्पेल, ठीक है उसके बाद देखिए लैंग्स लैंग लैंगसिन्स, लैंग्वेजेज, लैंग्वेडॉक, लैंग्वेडली, ऐसे गाइडली होता है तो लैंग्वेडली सोच के पढ़ना होगा आपको दोस्तों। इस तरह से ना सीधा यहाँ पढ़ेंगे लैंग्वेडली, ठीक है जो कि लिखा हो गया है यहाँ पर करेक्ट, लैंग्वेडली। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लैंग्वेज, लैनियरीज, आइए इसको ही बोलते हैं लैनियरीज, लैंगफोर्ट्स, लैंकिनेस, ई डब्ल्यू एस बोलते हैं लैंकिनेस, और है लैनारेट्स। फिर नेक्स्ट देखिए लैनोलेटेड, एक बाद ई है, टी डी को टेड भी बोलते हैं, लैनोलेटेड, लैनोलाइंस, और लैनफियर्स, लैंसडॉन, फिर देखिए लैंटर, लैंटरलू, फिर देखिए लैंटर्न, लैंटर्ड, और है लैंथनन, लैंथनन, लैंथेनम, लैंथेनम, यू एम को हम बोलते हो, हमको अन बोलते हैं, लैंथियर्स,
लैंथॉन्स, लैंथॉन्स और लैंटिगस। उसके बाद देखिए यहाँ लैंड, लैंडस्किप्स, लैंजोरट, जैरोट, लैंजरोट। नेक्स्ट देखिए लाओडिसियन, लाओडिसियन, लाओमेडियर। नेक्स्ट देखिए लापैग्लियस, लैपबोट्स, लैपबोट्स, लैप हेरोइड, ठीक है, लैप, ठीक है, लैपफ्रोइड, लैपिडेटेड, एक के बाद ही है टी डी को टेट बोलते हैं, लैपिडेटेड, लैपिडेट्स। नेक्स्ट है लैपिडियस, ओ यू एस को आस बोलते हैं, लैपिडियस हो गया, और लैपिडिफिक। दोस्तों ये तरीका है और एक प्रैक्टिस कैसे करना है ये समझ लीजिए। जैसे मैंने ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से वर्ड लिए हैं, आपको भी जो है कुल मतलब ऐसे सीक्वेंस में नहीं 200 किसी तरह के वर्ड मीनिंग कलेक्ट कर लीजिए, लिख लीजिए, और 10 दिन तक दोस्तों जैसे ऊपर अभी मैं बताऊंगा उस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन, यहाँ दोस्तों 11वें दिन खुद ब खुद आपको अंग्रेजी पढ़ने आ जाएगा, गारंटी है, यहाँ तो गारंटी है, अगर आपको आता है समझ में है सब कुछ तो। देखो मतलब कि स्वर, व्यंजन, वोवेल, कॉन्सोनेंट, इस सबको उच्चारण आना चाहिए। अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा वर्ड सुनेंगे, और दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ मैंने लिया है, कॉमन लिया है, आप भी कॉमन नहीं लेंगे, जिसका उच्चारण को पहले से पता है, मुझे भी पता है, कंपनी, कंपनी सभी को पता है, ऐसा तो कोई नहीं, को नहीं जानते हैं, तो आप कोई भी वर्ड लीजिए जो जानते हैं। तो कंपनी में ए को क्या बोला गया, ये सिर्फ चेक करना है, आप एक साथ चेक करेंगे भाई ए को आपने, मान लीजिए आपको एक वर्ड मिल गया कंपनी, कंपनी तो आप सभी लोग जानते होंगे, कंपनी में आप ये चेक करेंगे कि ओ को क्या बोलते हैं, सी ओ क, क आपको पता है, मान लीजिए अंग्रेजी पढ़ने नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, क आप पी ए पी एन पी ए एन वाई नी, कंपनी, और ए को आ बोल रहे हैं कंपनी, तो ये सिर्फ चेक करना, लिख लीजिए यहाँ बगल में कंपनी, इस तरह से आप पता चलेगा कि यहाँ पर आ बोला गया है, आ को एक ही चेक कीजिए, और सब में, तो सब में आप एक वर्ड लीजिए, दिमाग में रखिए कि कौन कौन सा ऐसा उच्चारण हुआ, तो सॉल्ट में एक उच्चारण क्या हुआ, तो आ हुआ है, केयर में एक उच्चारण क्या हुआ, तो ए हुआ है, मैप एम ए पी मैप में एक उच्चारण हुआ दोस्तों ए, उसके बाद परफेक्ट में दो ई है, पहला ई जो है दोस्तों आ के रूप में उच्चारण हुआ, दूसरा ई का उच्चारण एफ ई टी सी, एफ ई सी टी है ना, तो ये ए का रूप में उच्चारण हो रहा है, प्रीफिक्स में दो ई है, तो देखिए छोटी कह लीजिए, बड़ी कह लीजिए, इतना बड़ा हम लोग व्याकरण नहीं है कि भाई हम लोग को पता चल जाएगा कि कैसे उच्चारण करना है। टी एन टेन में ई को ए बोलते हैं, एस आई सर में आई को क्या बोलते हैं, तो आई को अ उच्चारण कर रहे हैं, फिग में आई का उच्चारण या टीन में आई का उच्चारण, छोटी कब बड़ी कब होता है उच्चारण से नहीं पता चलेगा, लेकिन हाँ पता चलेगा कि भाई ई ई होता है, जैसे लाइन में आई का उच्चारण क्या कर रहे हैं, लाइन में आई का उच्चारण आई, यानी आई का उच्चारण आई के रूप में कर रहे हैं, एस वेंसन में ओ का उच्चारण अ के रूप में कर रहे हैं, आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, मून में डबल ओ का उच्चारण है तो ऊ के रूप में, उसके बाद मोटो एक एम के साथ दूसरा टी के साथ, दोनों में ओ का उच्चारण ओ के रूप में, बी यू टी बट में यू का उच्चारण जो है दोस्तों अ के रूप में, और पी यू टी फुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में है, इसके बाद टी यू नी ट्यून में यू का उच्चारण है ई यू के रूप में, इसके अलावा एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, और एल डब्ल्यू के लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ। दोस्तों इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो गारंटी है आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने की। जी दोस्तों अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए, आने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ और यहाँ है, साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ टच करके, कुछ अगर हमारे वीडियो को डे वन देखना है तो प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो बने रहिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।